फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें प्रोजेक्ट एक्विजिशन मैनेजर की जॉब है जर्मनी के अंदर। इसकी फुल डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी कि आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि आपको मैं डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर डिफरेंट चीज़ें जो है वो बताता रहूँगा, जिस तरह इस वीडियो के अंदर आपको इस जॉब के बारे में बता रहा हूँ। और ये आप देख रहे हैं कितने टाइप्स के यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, जो मैं डिफरेंट वीडियोस के अंदर जैसे न्यू जॉब आया करेगी मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा। और यहाँ पे कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। ऑनलाइन चीज़ें आपने कुछ कवर करनी है, कॉन्फ्रेंसेस के लिए आप जा सकते हैं, आप कोई वर्कशॉप अटेंड करनी है, फंडिंग सोर्सेज आप कहाँ से ले सकते हैं अगर आप बाहर पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे हैं जो मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम जिस जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट एक्विजिशन मैनेजर की, यह पहली लाइन के अंदर ही देख सकते हैं कि ये जो है ये जर्मनी के अंदर जॉब अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी। और ये 17 फेब को जो है ये पोस्ट हुई है, तो अभी इसके अंदर काफ़ी टाइम है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको जितनी डिटेल है ये डिटेल आप ख़ुद से इसको रीड कर लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन हम जो है वो मेन टारगेट्स को कवर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के आपने करना क्या, कर कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूटिंग टू प्रपोजल डेवलपमेंट, तो जो लोग भी एनजीओज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि एनजीओज़ के अंदर तो यही काम होता है कि आप प्रपोजल राइटिंग करते हैं, डिफरेंट आपकी रिपोर्ट राइटिंग हो रही होती है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप लिख रहे होते हैं, अपने प्रोजेक्ट विन करने होते हैं। तो इस तरह से कोई भी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर जॉब कर रहा है या कोई एनजीओ के अंदर है या इवन के कोई टीचिंग साइड पे है, तो वो भी रिसर्च के साथ बड़ा लिंक होता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये ऑलमोस्ट जो सभी लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसके डिसिप्लिन के लोग कर सकते हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको ड्यूटीज़ जो हैं वो करनी पड़ेंगी, लाइक किस टाइप का ये काम है। जिस तरह अगर आपने रिपोर्ट राइटिंग है तो वो भी या रिपोर्ट राइटिंग वाला बंदा भी इसके अंदर आ जाएगा। देन आपको बैचलर या मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किस फील्ड में होनी चाहिए, सोशल साइंस। अब सोशल साइंस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो इवन कि उन्होंने जस्ट अगर सोशल साइंस लिख दिया तो आप सोशल साइंस के अंदर जो कवर हो रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वाले कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ी हुई है वो कर सकते हैं, और इसी तरह के जो भी रिलेटेड फील्ड्स हैं वो लोग इस जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके नीचे जो है डिफरेंट और रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ सबसे मेन ये है कि आपके इंग्लिश जो है आपको बोलनी आनी चाहिए। डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको बोलनी आती होगी अगर आप कहीं ना कहीं किसी अदारे के अंदर जॉब कर रहे हैं। बाकी आप उस एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं तो आप उस एनवायरनमेंट के अंदर से चीज़ें सीख लेते हैं। और देन अभी चाहिए क्या इनको, आपने जो है वो कवर लेटर, अपनी CV इंग्लिश के अंदर कोई एक सैम्पल आपका राइटिंग का हो कि आपने कोई प्रपोजल लिखा हुआ हो या कोई और आपका कोई पब्लिश आर्टिकल हो, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो आप शेयर कर सकते हैं इनके साथ जब आप अप्लाई करेंगे। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कि हम अप्लाई अब किस तरह से कर सकते हैं, मेन बात, तो अगर मैं यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करूँ तो हम इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो ये वाला जो मेन पेज है जिसके ऊपर उस पेज के ऊपर जस्ट इन्फॉर्मेशन थी, वो इन्फॉर्मेशन जो अभी मेरी वीडियो है आप इसको पॉज करके यहाँ से पढ़ सकेंगे, लेकिन ये वाला जो लिंक है, ये वाला पेज जिस पे आप इसको अप्लाई करेंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और ये मैक्सिमम हार्डली 7 से 8 मिनट लगेंगे, आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका फिल हो जाएगी, जस्ट आपने टिक करते जाना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने एक दो चीज़ें एंड में अपलोड करनी होगी, जिस तरह आपने अपनी CV अपलोड करनी होगी, आपने कोई राइटिंग सैम्पल है वो आपने यहाँ पर चूज़ करना होगा, जस्ट ये दो चीज़ें अपलोड करनी है और बाकी आपने यस नो करने, और एट द एंड यहाँ पर आकर आप अब मैंने फिल नहीं किया तो हम नेक्स्ट करेंगे तो ये नहीं जाएगा, अदरवाइज आप नेक्स्ट करेंगे तो आगे कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आपसे नाम आपका पूछा जाएगा और आप सबमिट कर देंगे। तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, मैक्सिमम आपके 7 से 10 मिनट्स लगेंगे इस जॉब के लिए अप्लाई करने में और आप इंटरनेशनल लेवल की जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो इसका लिंक मैं आपको यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है मैं इस वीडियो की उसमें दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस तरह मैंने पहले कहा कि बेशुमार वीडियोस मैं इसके ऊपर डालता रहूँगा, जॉब्स के ऊपर, एडमिशन्स के ऊपर और चीज़ों के ऊपर, एजुकेशन रिलेटेड, तो आपको लेटेस्ट वीडियो मेरी मिलती रहेगी।